अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हुसैन मेमन हियर और आज मैं बात करूँगा कॉपीराइट फ्री अर्थरुल म्यूज़िक वीडियोस की। जी हाँ, हम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर के लिखा है कॉपीराइट फ्री अर्थरुल वीडियोस या म्यूज़िक वीडियोस, तो वो कॉपीराइट फ्री मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा क्योंकि अर्थरुल सीरीज़ जो है ये किसी ने फ्री में नहीं बनाई है, एक प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है और एक टर्किश प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह चली है और बहुत ही अच्छा पैसा कमाया है। और मैंने गूगल पे बहुत ट्राई किया ढूंढने की कि मुझे मिल जाए कि प्रोडक्शन हाउस का कोई ब्लॉग हो या कुछ उनका ऐसा अनाउंसमेंट हो कि भाई ये म्यूज़िक फ्री है और कॉपीराइट फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मगर ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला कहीं पे भी, जो भी मिला वो सिर्फ यूट्यूब पे मिला है और वहाँ पे लिखा है कॉपीराइट फ्री और जो अर्थरुल ड्रामा का जो म्यूज़िक है, सीरीज़ का म्यूज़िक है वो वहाँ पे है। तो 99.99% तो मैं ये कहूँगा कि ये कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक नहीं है। और अगर आपका चैनल, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूबर हो और आपको यूज़ करना है म्यूज़िक अर्थरुल का, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि अगर आप उनका म्यूज़िक यूज़ करोगे तो वो जो उसका मोनेटाइजेशन का पैसा है वो उस टर्किश प्रोडक्शन हाउस को मिलेगा जिसने अर्थरुल बनाया है। तो गाइज़, मैं ये एक मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं सच को सामने लाऊं और दूसरी बात ये कहूं कि अपने चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने से या आप जो मेहनत से वीडियो बना रहे हो सिर्फ म्यूज़िक की वजह से किसी और को उसका पैसा जाने से आप जो है बचिए। और बहुत सारे हो सकता है कि किसी दूसरे म्यूजिशियन ने पियानो के ज़रिए या गिटार के ज़रिए या किसी और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए सेम ट्यून या सेम म्यूज़िक जो है कॉपी किया हो और वो कॉपीराइट फ्री हो, लेकिन देख लीजिए अगर ज़्यादा मशहूर म्यूजिशियन है तो अक्सर उनकी म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री नहीं होगी। और जो वहाँ पे अगर एक चैनल है जो सिर्फ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक ही अपलोड करता है यूट्यूब पे, ऐसे काफ़ी चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से कोई भी म्यूज़िक ले सकते हो, कोई भी क्लिप ले सकते हो अपने बैकग्राउंड के लिए। या सबसे अच्छा तो यही होगा कि अगर आपको अर्थरुल का कुछ दिखाना है या आपने कुछ ऐसा अर्थरुल का तलवार जैसा कुछ बनाया है या तुर्गुत का एक्स बनाया है तो कुल्हाड़ा बनाया है तो उसमें बैकग्राउंड में अगर आप कुछ म्यूज़िक डालना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो बैकग्राउंड नशीद होती है वो ज़्यादा मैच करती है अर्थरुल सीरीज़ के साथ, क्योंकि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी और म्यूज़िक को लेने के बदले नशीद की म्यूज़िक जो होती है बैकग्राउंड नशीद की वो ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, जैसा मैंने कहा कि कॉपीराइट फ्री लिखा है मगर वो नहीं होगा क्योंकि उनके कमेंट्स में जब दूसरे व्यूवर्स उनको पूछ रहे हैं कि भाई ये कॉपीराइट फ्री हम यूज़ कर सकते हैं क्या, तो वहाँ पे उनका कोई रिप्लाई नहीं है वहाँ पे कि हाँ आप यूज़ कीजिए कॉपीराइट फ्री ये करके, क्योंकि ऑब्वियसली शायद उनको भी पता है कि वो कॉपीराइट फ्री नहीं है, बस सिर्फ अपने चैनल पे व्यूज़ बढ़ाने और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए वो इस तरीके से लोग हरकत करते हैं। और ऑब्वियसली उनको भी पता है कि अगर उनका चैनल मोनेटाइज हो गया तो भी उनको उस वीडियो का पैसा मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है उसी को उसका पैसा जाएगा। ओके गाइस, तो प्लीज़ ओरिजिनल चीज़ें बनाइए और बनाते रहिए, अपलोड करते रहिए और लोग अच्छी चीज़ों के इंतज़ार में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ जाके चीज़ें बनाइए, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी ऐसी है, क्रिएटिव चीज़ें ऐसी है, क्रिएटिविटी, आई लव क्रिएटिविटी, के एक बंदे के जहन में क्या चल रहा है दूसरे को पता ही नहीं होता। तो बनाते रहिए, अपलोड करते रहिए और ऑडियंस को क्या पसंद आएगा आपको आप नहीं जानते, ऑडियंस का जो मिजाज है उनका टेस्ट है अलग ही होता है हमेशा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।